गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स. वी हैव स्टडीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक दैट वॉज ट्रूथ इन द फॉरेस्ट. ओके, वी हैव स्टडीड द चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू word meanings. Okay, I have said you to write out the word meanings by yourself. So those children who have not written the word meanings, write down in your notebook, note copy. Okay, write in your notebook clearly. I have underlined the words. I said you, I have underlined the words. So the underlined words, you would have bought the books also. Children, आप लोगों ने बुक खरीद लिया होगा. So you should write these word meanings in your copy. So today I am going to give you the word meanings. So come to the word meanings. So this is the first chapter, Truth in the Forest. So first one is inkling. Meaning is a slight feeling about something. Inkling means a slight feeling about something. किसी भी चीज के बारे में थोड़ा feeling होना. Okay. Second one is allied. Allied is about organization and country. Allied is used about organization and country. Desperate. Desperate means out of control. Okay, that is out of control. Fourth one is offensive. Offensive is unpleasant. Unpleasant. Fifth is bulge. A round bulge, a round lump that sticks out of something. The children we call the bulgy eyes. Eyes देखते हैं किसी का बड़ा बड़ा आँख होता है तो हम बोलते हैं he has bulgy eyes. कि उसी तरह अराउंड लंग दैट स्टिक्स आउट ऑफ समथिंग, नहीं है कि उसका आंख बाहर आ रहा है. सो दैट इज नोन एज बल्ज. रेजिंग वेरी सीवियर और एंग्री. ओके, वेरी सीवियर और एंग्री. इंसेसेंस, इंसेसेंट. नेवर स्टॉपिंग साउंड. ओके, इंसेसेंट इज नेवर स्टॉपिंग साउंड, जो साउंड कभी स्टॉप नहीं होता है. एंड एट वन इज soared, S-O-A-R-E-D, soared, meaning is to fly high in the air. Soared is to fly high in the air. The helicopters are soaring in the sky. Okay, we say helicopters are soaring in the sky. So, to fly high in the air. Now children, ninth one. Ninth one is stabbed, S-T-A-B-B. It is stabbed, to push a pointed object into something, somebody or something. Okay, stabbed, to push a pointed object into somebody or something. Okay. Tenth, phantom. Phantom. Something that you think that it exists. But it is not real. Okay, something that you think that it exists, but it is not real. कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है कि वो present है. Okay, वो exist करता है. But it is not in real. पर सही में वो ऐसा नहीं है. Okay, it is not in real. वास्तव में ऐसा नहीं होता है. Okay, 11th one is snow covered. It is so easy children. Snow covered means snow covered. ओके, स्नो से कवर किया हुआ, बर्फ से ढका हुआ. ओके, 12th इज कॉमरेड. कॉमरेड द पर्सन हु सपोर्ट्स यू इन वॉर. हु इज कॉमरेड? द पर्सन हु सपोर्ट्स यू इन वॉर. वो पर्सन जो आपको वॉर में, लड़ाई में सपोर्ट करता है, युद्ध में. ओके, जो आपको युद्ध में सपोर्ट करता है
उसे हम कॉमरेड कहते हैं, कॉमरेड कहते हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज 13, नंब, NUMB, नंब, नॉट एबल टू फील एनीथिंग। ओके, नंब इज नॉट एबल टू फील एनीथिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सुनकर अचानक से खड़े हो जाते हैं, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर स्टैंडिंग नंब। ओके, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वी जस्ट स्टैंड, वाई आर स्टैंडिंग नंब, मीन्स हम लोग ना कुछ बोलने की हालत में रहते हैं ना कुछ करने की हालत में रहते हैं। जब कुछ वैसा सिचुएशन आता है या एक्सीडेंट हो जाता है, देखते हैं एक्सीडेंट देख लेते हैं, या फिर कभी कभी कुछ उस टाइप का चीज देख लिए जो कि देखकर अचानक से आदमी स्तंभ हो जाता है। ओके, शायद साइलेंट हो जाता है। ओके, दिस इज नंब। 14th is stocky, STOCKY, शॉर्ट बट स्ट्रांग एंड हैवी। ओके, शॉर्ट बट स्ट्रांग एंड हैवी, शॉर्ट, ओके, छोटा बट स्ट्रांग एंड हैवी। 15 इज स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर इज थिन। ओके, 16 फैटनिंग, FATTENING, फैटनिंग इज टू मेक फैट। ओके, टू मेक फैट, ओके, मतलब मोटा होना। ओके, यू आर फैटनिंग। 17th, ओके, 17th इज टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग इज अट्रैक्टिव इन अ वे दैट मेक्स यू ग्रीडी। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अट्रैक्टिव इन अ वे दैट मेक्स यू ग्रीडी, इतना अट्रैक्टिव होना कि उसके लिए आपको मन में लालच आ जाए। ओके, यू आर टेम्पटिंग फॉर समथिंग। ओके, आई एम टेम्पटिंग फॉर डिलीशियस केक नाउ। ओके, नाउ 18th इज अरोमा, AROMA, aroma इज अ स्मेल। ओके, द फ्लावर्स aroma इज टू स्वीट। ओके, aroma इज स्मेल। 19th, corporal, CORPORAL, what is corporal, a person at low level in army or force। ओके, corporal उसे कहते हैं जो person लो लेवल में आर्मी में हो या फोर्स में हो, मतलब हाई पोस्ट पे नहीं हो। ओके, ही और शी इज इन लो पोस्ट। ओके, दैट इज नोन एज कॉर्पोरल, दैट पर्सन इज नोन एज कॉर्पोरल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेजली। ओके, डेजली इज कंफ्यूज, व्हाई आर स्टैंडिंग डेजली। ओके, दिस वर्ड्स DAZEDLY, डेजली, व्हाई आर स्टैंडिंग कंफ्यूज, इट मीन्स कंफ्यूज। ओके, 21st इज फॉरोजिंग, ओके, FOROGING, ओके, सो फॉरोगिंग इज टू सर्च फॉर फूड। ओके, ब्रॉथ, 22nd इज ब्रॉथ, BROTH, ब्रॉथ, ब्रॉथ, BROTH, ब्रॉथ इज सूप, सूप, SOUP, सूप। ओके, वी ड्रिंक सूप, दैट इज नोन एज ब्रॉथ। ओके, सूप हम लोग पीते हैं ना, उसको हम लोग ब्रॉथ कहते हैं। नेक्स्ट इज इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग इज मेकिंग यू फील हेल्दियर। ओके, इनविगोरेटिंग इज मेकिंग यू फील हेल्दियर, HELTHIER। ओके, एंड लास्ट वन इज 24, दैट इज क्रीक, CREAK, क्रीक, क्रीक मीन्स अ स्मॉल रिवर, क्रीक इज अ स्मॉल रिवर। ओके चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप योर ओनली टूडे। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस ऑल वर्ड मीनिंग्स इन योर नोट बुक। ओके, राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोट बुक, एंड नॉट ओनली यू हैव टू राइट, यू हैव टू ऑल्सो लर्न दिस मीनिंग्स। ओके, यू हैव टू लर्न दिस मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, वॉट एवर आई एम गिविंग, दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ओके, लर्न इट, और एंड व्हेन स्कूल्स रीओपन, इट विल रीओपन टू सून। ओके, सो योर एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट, सो यू हैव टू स्टडी हार्ड एट होम नाउ।
Okay, pay attention towards your studies, children. So stay at home and be safe, okay?